अंडे पर इस वक्त बड़ी खबर सीतापुर जनपद के सिधौली कोतवाली इलाके से मिली। पेड़ से लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं अंडे के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव। तो राजन बताएं क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको। जी फरमान जी, आपको बता दे आज सिधौली के कोनी घाट पुल स्थित एक 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार फरमान जी आपको बता दे, युवक जो है वो बहादुरपुर सिधौली का एक वार्ड है, वहां का निवासी है। युवक का नाम जो है दिवाकर उर्फ सोनू पुत्र राम भरोसे, उम्र 28 वर्ष है। वह बीते 2-3 दिनों से लापता था। जानकारी जब मिली है पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौके पर फॉरेंसिक की भी टीम पहुंचती है जांच है, तो वहां पे देखते हैं कि जो शव है, शव जो था काफी पुराना है, वो काला पड़ चुका था और लगभग सड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी उसकी। और जो पुलिस ने, परिजनों ने शव की पहचान कर की है। जो शव था, शव के जेब से जो मोबाइल और आधार कार्ड बरामद हुआ, वो दिवाकर और सोनू का ही निकला। राजन यह बताएं क्या इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है। जी फरमान जी, आपको बता दे पुलिस जो एसआई है वहाँ, हल्के के एसआई है, उन्होंने बताया कि जो युवक है उसकी गुमशुदगी की तहरीर उनको प्राप्त हुई थी, वो भी दर्ज की गई थी। आज उसको ढूंढा जा रहा था। आज जब वहाँ जो उधर जाते हैं, दरअसल बात निर्जन स्थान है फरमान जी, तो बहुत कम ही लोग उधर जाते हैं और वहाँ पे ताजिया आज दफन किए जाते हैं मुसलमानों के। उसी को लेके शायद कोई गया होगा, तो उसी को जब बदबू देखी उसने, तो बदबू देखकर उसने आसपास देखा तो एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ देखा उसने। तब उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची है, शव को पेड़ से उतरवाया है और शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया था। बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि सिधौली कोतवाली इलाके के कोनी घाट पुल के पास जंगल में एक शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। शव करीब 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजन।